श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारे श्री संप्रदाय का, श्री रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है। हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने सर्वाधिक प्रमाण किसी ग्रंथ का दिया है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का दिया है। भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी सर्वाधिक प्रमाण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का देते हैं। एक और बात बता दूं, भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार अध्ययन किया और 18 बार पूज्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी को 18 नए भावों की प्राप्ति हुई। ये इस ग्रंथ का वैलक्षण्य है। जो लोग साहित्य पढ़े हैं वह जानते हैं काव्य की 3 कोटियां होती हैं। एक काव्य होता है शब्द प्रधान, एक काव्य होता है अर्थ प्रधान और एक काव्य होता है व्यंग प्रधान। जो शब्द प्रधान काव्य होता है वह प्रभु सम्मित होता है, जो अर्थ प्रधान काव्य होता है वह सुहृद सम्मित होता है और जो व्यंग प्रधान काव्य होता है वह कांता सम्मित होता है। शब्द प्रधान काव्य है वेद, अर्थ प्रधान काव्य है पुराण और व्यंग प्रधान काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जो शब्द प्रधान काव्य है वह स्वामी सम्मित है, प्रभु सम्मित है। जो अर्थ प्रधान काव्य है वह सुहृद सम्मित है और जो व्यंग प्रधान काव्य है वह कांता सम्मित है। वेद हमें किसी सिद्धांत को वैसे समझाते हैं जैसे कोई आचार्य, जैसे कोई स्वामी अपने शिष्य को समझाता है। इसलिए वेद में उपदेशात्मक वाक्य हैं, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, धर्मम चर सत्यम वद, धर्म पर चलो सत्य बोलो। ये सब आदेशात्मक है। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को समझाता है वैसे वेद हमें समझाते हैं।